तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube का जो वीडियो है वो कैसे एडिट करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जो है प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको इनशॉट जो एप्लीकेशन है वो आपको सर्च करना होगा। सर्च बार में क्लिक करके टैप करके आपको इनशॉट सर्च करना होगा। तो आपको पहले इनशॉट सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन है ये आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास डाउनलोड करके नहीं रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कमाल का एप्लीकेशन है, इसका जो डाउनलोड से 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो पहले मैं इसको एप्लीकेशन से इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन जो ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले वीडियो में क्लिक करना होगा। वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको जो है न्यू प्लस जो आपका प्लस आइकॉन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको टैप करना होगा, ठीक है। टैप करने के बाद आपका जो है कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी वीडियो आप एडिट करना चाहते हो वो वीडियो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं कोई भी एक वीडियो आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये वीडियो जो है ये सिलेक्ट कर लिया। आप नीचे तरफ देख सकते हैं, आप जो यहाँ पर आपको राइट का सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको कर देना, टर्न करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो कि आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो लोगो है, इनशॉट का जो लोगो आ रहा है देख सकते हैं आप। दिखा देता हूँ आपको, ये भी आप रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। वाटरमार्क को आप रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए आप करना क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ्री रिमूवल का ऑप्शन आ रहा है, तो फ्री रिमूव पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड आ जाएगा, तो वो जो एड्स है वो आपका पूरा देखना होगा, तभी ये वाटरमार्क आएगा। अगर बीच में आप ये ऐड रोक देंगे तो आपका वाटरमार्क जो है ये नहीं होतेगा, ये सही रहेगा। तो चलिए मैं जो वाटरमार्क है पहले इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। तो फ्री रिमूव में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको वो ऐड आ जाएगा, वो ऐड आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। तो ये ऐड आ गया, मैं इसको पूरा देख लेता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ऐसे वाटरमार्क रिमूव हो चुका है अभी। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जितना करने की ज़रूरत है उतना ही बोलूँगा। यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स दिया गया है। अगर आप खुद की तरफ से डाउनलोड करने के बाद आपको खुद की तरफ से अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हो। तो सिंपली मैं आपको बताऊँगा, एक एक स्टेप समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो आपको क्या करना होगा मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैनवास बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपका वीडियो जो है राइट साइड में लेना चाहते हैं, राइट साइड में लेना चाहते हो राइट साइड में ले सकते हैं, लेफ्ट में ले सकते हैं, और बीच में लेना चाहिए आप बीच में चाहते हो इसे बीच में ही जाए, ठीक है। आपको जो मर्जी लगे वो कर सकते हैं। तब देख सकते हैं यहाँ पे नेटिव बोल के ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको टैप कीजिएगा, ठीक है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा देख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपका जो यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब के वीडियो के लिए आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 4.3 है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो 16.9 दिखा दे रही है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इसको जो फिलहाल जो 4.3 में रखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा और साफ भी आएगा। इसको करते हैं हम डन, ठीक है गाइस। इसको डन करने के बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, आपका जो वीडियो है अगर इस वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आप ऐड करना चाहते हैं तो म्यूजिक भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, म्यूजिक में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको करना होगा, जाना होगा एक ट्रैक्स टूल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको माई म्यूजिक में जाना होगा। माई म्यूजिक में जाने के बाद आपको जो भी गाना आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं कोई से भी एक गाना जो है मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं एक गाना जो है ऐड कर लेता हूँ, इसके साथ यूज दिखाई दे रहा है, यूज में आपको टैप करना होगा। टैप करने का जो गाना है ये आपका गाना आ चुका है गाइस, ठीक है गाइस। तब गाना जो है जितना लेना चाहते हो हम ले सकते हैं। तो उसको हम करते हैं क्या करते हैं, इसको हम करते थे ट्रिम, ठीक है। और बाकी का जो पेज है उसको हम करते थे डिलीट, ठीक है। और इसके बाद इसका जो बीट जो है, इसका जो वॉल्यूम क्वालिटी है, ये आप खुद की तरफ से कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके थोड़ा कम कर देते हैं,
इसको कर देते हैं 9, ठीक है। तो आपको जितना आपको अच्छा लगे उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कर देते इसको डन। और इसका जो मेन है, अब मैं बताना चाहूँगा इसका जो स्टिकर्स है, आप जो भी लगाना चाहते हैं स्टिकर्स वो आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टिकर्स खोल के आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आपको जो भी स्टिकर्स अच्छे लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कोई भी जो स्टिकर है आप लगा सकते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आपको यहाँ से कर देना होगा डन। डन करने के बाद अगर ये जो है यहाँ पर पूरा फेस करके रखना होगा। रखने के बाद आपको वीडियो के लास्ट तक आपको लगा के इसको रख देना होगा। उसके बाद इसको कर देना होगा डन, ताकि ये जो रहेगा ये आपको वीडियो के लास्ट तक आपको रहेगा, ठीक है गाइस। तो अगर आप गैलरी से आपका स्टेटस आपका जो स्टिकर्स को सेव करें उसको भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, आपको स्टिकर्स में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपका जो भी फोटो है आपका जाकर यूट्यूब का सिंबल देना चाहते हैं, यूट्यूब का लोगो है वो देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लोगो है वो लोगो में आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टिकर से गैलरी से भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टिकर्स में क्लिक करके आपका गैलरी में जाके स्टिकर जो है ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जहाँ आप सिलेक्ट रखना चाहते हो वहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट, आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप सही तरह से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रख देता हूँ, उसको कर देता हूँ डन। डन करने के बाद इसको भी वीडियो के लास्ट तक ले जाता हूँ मैं, यहाँ पर ले गया, ठीक है। और इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको कलर चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपका जो एरिया है वो भी मिल जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं, आप जैसे जो भी आप रखना चाहते हो वह रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको रख देता हूँ मैं साइड में इस तरह से। उसके बाद कर देता हूँ मैं डन, ठीक है गाइस। इसको भी मैं लास्ट तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं लास्ट तक लिया, उसके बाद जो मेरा वीडियो है अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ उसको डन। डन करने के बाद आप देख सकते हैं जो वीडियो है वो आपका मेरा पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। इसको सिंपली आप सेव कर सकते हो। और आगे आपका जो भी यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स दिया गया है, आपको जो अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तो बेसिक जो ज़रूरत है मैं उतना आपको दिखा दिया, अगर इसे सारे फीचर्स बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको अभी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, वीडियो को मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव, अभी ये सेव आपको जितना क्वालिटी हो, जितना क्वालिटी में सेव करना चाहते हो आप उतना क्वालिटी में आप सेव कर पाएंगे। हाँ, आपका 1080 है, 720 है, 640p है, जितना है आप उतना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।